पर एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट आज जारी कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी की पांचवी लिस्ट में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट भी कट सकता है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की चार लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिसमें लोकसभा की 276 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। पांचवी लिस्ट आज बीजेपी की जारी की जा सकती है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए थे। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैंडिडेट्स के चुनाव पर गंभीर है बीजेपी। 400 पार का नारा दिया है, इसलिए एक एक सीट बीजेपी के लिए बेहद अहम है। आज पांचवी लिस्ट ऐसी होगी जो कि बीजेपी जारी करेगी, और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वो चेहरे जिनसे जनता नाखुश है उनके टिकट्स को काट दिया जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा। सीधा अमित का रुख करेंगे। अमित, पांचवी लिस्ट कैसी होने वाली है? अमित का रुख करेंगे, अमित संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यूपी बिहार के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव बताया जा रहा है। नए चेहरों पर दांव बीजेपी खेल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला किया है। चुनाव में बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चुनाव समिति ने, केंद्रीय चुनाव समिति है, उसने यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला किया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, सहारनपुर से राघव लखनपार, अलीगढ़ से सतीश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाता था, उनका टिकट कट गया है और अब नया चेहरा अतुल गर्ग होंगे। पीलीभीत से जितिन प्रसाद, वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद ने ले ली है। वहीं हाथरस से अनूप वाल्मीकि को उतारा जाएगा। सहारनपुर से भी एक नया चेहरा राघव लखनपाल को उतारा जाएगा। वहीं अलीगढ़ से सतीश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। यानी कि जिताऊ कैंडिडेट जो रहेगा, जिताऊ फैक्टर जो रहेगा, उस पर बीजेपी दांव लगाएगी, जिसमें नामी और पुराने जो चेहरे हैं जिनको जनता ने नकारने का फैसला किया है, उनके टिकट्स बीजेपी की ओर से काटे जाएंगे। उन कैंडिडेट्स को बीजेपी उतारेगी मैदान में जो कि जीतने वाले होंगे। सीधा हमारे सहयोगी अमित का रुख कर लेंगे। अमित, पांचवी लिस्ट सामने आने वाली है, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उन कैंडिडेट्स का पत्ता साफ हो गया है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा है। न केवल एंटी इनकम्बेंसी अंकिता, बल्कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे राघव लखनपाल सहारनपुर से, या फिर सूत्रों के मुताबिक अतुल गर्ग का नाम गाजियाबाद से है। तो इन दोनों के अगर प्रोफाइल पर हम देखें तो अतुल गर्ग जहां पर इनकी पैठ है, और सहारनपुर से राघव लखनपाल सांसद रह चुके हैं, इसी तरीके से पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कर सकता है। जितिन प्रसाद रुहेलखंड में ब्राह्मण चेहरा है, ये संभावित नाम है जिनको टिकट मिल सकता है।